हे एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज का व्लॉग होने वाला है उससे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी ओर से, और जो भी मुझे छोटी सिस्टर और या दीदी बोलता है उन्हें तो स्पेशली वाला हैप्पी रक्षाबंधन, और बाकी माई यूट्यूब फैमिली आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज का जो व्लॉग है वो है, आजकल यहाँ पर वेजिटेबल सीज़न चला हुआ है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या क्या हमने लगाए हुए हैं और क्या क्या तैयार हो रहे हैं, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, गाइज ये ऐसा लग रहा है जैसे कि खीरा का कोई फॉरेस्ट हो, खीरे खीरे हैं यहाँ पर, और किसी फॉरेस्ट से कम नहीं है ये जगह। सब प्रकार की सब्जियां लगाई हुई हैं, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी, घिया, लौकी, सब कुछ लगाया हुआ है। हम ये सब्जियां लोकल मार्केट में ही बेचते हैं। हमने दो तीन प्रकार के कद्दू भी भीजे हुए हैं। ये वाला कद्दू पहले तैयार हो गया,
लौकी की वैरायटी अभी तैयार हो गई है। यहाँ देखो ये आजकल सब्जियों का सीजन चला हुआ है। आज हम बीन्स उठा रहे हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक लंबी वाली लंबी फलियां वाली बीन्स, जिसको डंडे लगा के ऊपर चढ़ाते हैं या धागा भी बांधते हैं उसमें। ये इतनी लंबी वाली नहीं है, इसको सहारा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही इतने से ऊपर हाइट इसका नहीं होता है। तो गाइज़ मैं अभी मूली वाले खेत में जा रही हूँ मूली लेने के लिए, सैलेड के लिए, और आप लोगों को भी ले चलती हूँ कि हमने मूली कौन से खेत में लगाया है वो खेत दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो चलिए फिर मेरे साथ चलते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला खेत है। तो ये देख रहे हैं आप लोग नीचे, ये वाला खेत, ये हमारा मूली वाला खेत है। तो मुझे अभी यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, मैं उतरती हूँ। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि यहाँ सांप वगैरह होते कि नहीं होते, तो आप सोच सकते हैं इन झाड़ियों के बीच में सांप होंगे, बट हमें आदत है सांपों के साथ रहने की, तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सांप है नहीं है, कुछ लेना देना नहीं होता इतना। तो देखिए यहाँ गोभी लगाया हुआ है, अभी छोटे हैं काफ़ी, गोभी तैयार नहीं हुए हैं। और ये है मूली, और वो है बैंगन। और यहाँ से जो नज़ारा है बेहद खूबसूरत। तो हमने लगाए हैं यहाँ शिमला मिर्च और टमेटोज और मिर्च और धनिया और सब्जियाँ, और यहाँ हमारे खीरे, और ये है मीठा करेला जो कि अभी फ्लावर खिलने लग गए हैं मीठे करेले में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए इसके फ्लावर अभी खिलने लगे हैं, ये देखिए मीठे करेले के फ्लावर खिल रहे हैं। अन्वी के लिए विदाउट चिली, ये लो बिट्टू, ये लो खा के बताओ यम्मी है कि नहीं है। खाओ तो यम्मी है। ना पीपी, पीपी कहाँ है इसमें? आपको तो चिली लगाया ही नहीं, पीपी कैसे आ रहा है इसमें? यम्मी है कि नहीं है? है यम्मी। अच्छा खाओ। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि हमने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और कौन कौन सी सब्जियां तैयार हो गई हैं मार्केट ले जाने के लिए, और खीरे देखा आपने, हमने खीरे 2 वैराइटीज़ के लगाए हुए हैं, हाइब्रिड और लोकल, तो जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे जो व्यूवर्स हैं किसान भाई लोग, उनके वहाँ कौन सा सीज़न चल रहा है, वो क्या बीज रहे हैं, और मेरे किन्नौर वाले, किन्नौर में तो ऑलमोस्ट सब जगह आजकल वेजिटेबल सीज़न ही चला हुआ है, बाकी किन्नौर से बाहर क्या चला हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे सिटी वाले फैमिली वाले जो फैमिली है वो क्या कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में। और हाँ, आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे मनाया ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।